कर्म जन्मों जन्मों तक व्यक्ति का पीछा करता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं, परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर से जाकर मिलती है, वैसे ही धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराश होना दोनों ही गलत है। ज्ञान और कर्म एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन उनका पालन नहीं। ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। तो बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन के सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। मनुष्य को अपने अहंकार और फायदे के लिए किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिंदगी के रन में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, हिम्मत ना हारे और कृष्ण का स्मरण करते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण।